हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल IPCS बाय योगेंद्र सर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th IP का रिवीजन टूर, जिसमें हम कर रहे हैं आज स्टार्ट यूनिट 1, जो कि है हमारी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुलाइजेशन। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं और लाइब्रेरी किसे कहते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे हमारी पांडास लाइब्रेरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर लाइब्रेरीज होती क्या हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं। LIBRARIES यानी कि लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज मतलब होता है कि जो भी हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल हैं, जो हमारे डेवलपर्स ने, कोडर्स ने या जिनने पाइथन बनाई है, उन्होंने ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल बना के रखे हैं, यानी कि पहले से कोड करके रखा है कि आप उन मॉड्यूल का डायरेक्टली यूज़ करके आप आपकी कोडिंग कर सकते हो। यानी कि आसान भाषा में यदि मैं कहना चाहूँ कि यदि आपको एक लाइन खींचनी है, तो आपको उस लाइन खींचने का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उस फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि समझ लो कि ये लाइन फंक्शन हो उनके पास, तो आप उस लाइन फंक्शन का यूज़ करके लाइन बना सकते हैं। सिंपली जैसे कि अपन ने डेटा विजुलाइजेशन में देखा हुआ है कि यदि हमको कोई भी किसी भी प्रकार का ग्राफ बनाना है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है? प्लॉट फंक्शन है। क्या हमें किसी प्रकार की कोडिंग करनी पड़ती है? नो, हम सिंपली उस मॉड्यूल से उस फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि प्लॉट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, जो किस मॉड्यूल में है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में है। ठीक है, और उस मॉड्यूल का हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? प्लॉट फंक्शन। और हम किसी भी प्रकार के ग्राफ्स बना सकते हैं। तो उस प्लॉट फंक्शन के अंदर जो डेवलपर्स ने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ कोडिंग है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ऐसी तमाम लाइब्रेरीज है जिसमें हमने पांडास लाइब्रेरी पढ़ी है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज पढ़ी है और क्लास 11th में नंपाई लाइब्रेरीज पढ़ी है, जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ वगैरह, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और इसके लिए हमें अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उन्हीं रेडीमेड कोड्स को यूज़ करते हैं और हमारी कोडिंग में अप्लाई करती हैं बाय सिंपलिंग इम्पोर्टिंग। ठीक है, हम सिंपली क्या करते हैं? उनको इम्पोर्ट करते हैं। हम लिखते हैं ना, इम्पोर्ट पांडास एज PD, इम्पोर्ट नंपाई एज NP। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम? वो बनी बनाई लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने तीन तरीके की लाइब्रेरी पढ़ रखी है। फर्स्ट हमने पढ़ रखा था नंपाई, दूसरा हम पढ़ेंगे जो आज पांडास, और तीसरा आगे भी हम पढ़ेंगे वो है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इसमें से ये हमने क्लास 11th में पढ़ चुकी है, पांडास हम क्लास 12th में पढ़ेंगे और मैटप्लॉटलिब भी हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये होती हैं लाइब्रेरीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंपाई। हमने क्लास 11th में पढ़ चुका है, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि नंपाई क्या होती है? न्यूमेरिकल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल पाइथन। यानी कि हमको कभी भी कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करना रहता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ये नंपाई लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, जिसमें हम सिंपली नंबर्स के ऊपर हम क्या कर सकते थे? ऑपरेशंस कर सकते हैं, एरे का यूज़ करते थे। ठीक है, और हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी है। ठीक है, तो हमने पहले सीखा था कि नंपाई आखिर होता क्या है, जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं पांडास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पांडास, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पांडास, आखिर होता क्या है पांडास। ठीक है, पांडास का क्या काम है? PANDAS। ठीक है, अब पांडास की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने क्लास 11th में नंपाई पढ़ चुका था, सो अब ये 12th में पांडास क्यों आया? या फिर जब बोला गया था कि जो नंपाई है वो सारे के सारे एनालिसिस के लिए यूज़ हो जाता है, और आप बोल रहे हैं सर कि जो पांडास है वो भी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? सो डिफरेंस हमने पढ़ चुके थे थ्योरी में। एक शॉर्ट में बता दूं कि जब हम नंपाई यूज़ करते थे, तो उसमें हम सारे प्रकार के डेटा टाइप्स यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी कि हम उसमें सिर्फ इंटीजर बेस्ड वैल्यू के ही ऊपर क्या कर पाते थे? एनालिसिस कर पाते थे, डेटा का एनालिसिस कर पाते थे। सो अब हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी आई है? पांडास। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार के डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें चाहो तो इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग और जितने भी हमारे ये फ्लोट है, ठीक है, जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, उन सारे प्रकार के डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो
पांडास में हम दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में है इस बार सीरीज और दूसरा हम पढ़ेंगे जो है हमारे पास डेटा फ्रेम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द टू डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पांडास लाइब्रेरी। तो हमारे पास कौन से दो मेन डेटा स्ट्रक्चर है पांडास लाइब्रेरी में, एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम, जिसको हम इसको बोलते हैं ये वन डायमेंशनल एरे होता है और ये कितना होता है टू डायमेंशनल। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास टू डायमेंशनल, यानी कि एक चीज में सिंगल रो होती है और इसमें रोस और कॉलम होती है। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है वन डायमेंशनल और ये होता है टू डायमेंशनल। ठीक है, ये हो गया सीरीज और डेटा फ्रेम। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से सीरीज के बारे में। ठीक है, सीरीज क्या होता है, सीरीज, अब सीरीज जैसा कि अभी हमने देखा कि हमें किसी डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो हमें यदि हमारे पास ऐसा डेटा है जो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, जो सिंगली एक सिंपल सिंगल रो है या एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा है, यानी कि समझ लो कि वन है टू है थ्री है, इस तरीके के कोई डेटा है, अब इस तरीके के डेटा को हमको क्या करना है स्टोर करना है या उसके ऊपर एनालिसिस करना है, उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या आया है सीरीज। ठीक है, सीरीज को हम एक तरीके से किसी भी स्प्रेडशीट का एक कॉलम मान सकते हैं, स्प्रेडशीट देखा होगा जिसमें रोज और कॉलम रहते हैं, तो एक सिंगल कॉलम है तो हम उसको क्या कह सकते हैं सीरीज, यानी कि एक सिंगल कॉलम में कुछ भी डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी जो 1 2 3 4 है किसी भी स्प्रेडशीट का एक कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं सीरीज, या उसे हम एक सीरीज की तरह मान सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये तो बात हो गई सीरीज की, इसके अलावा सीरीज के बारे में और क्या है। सीरीज होता है 1D एरे। ठीक है, और सीरीज में हम क्या कर सकते हैं एनी डेटा टाइप, वी कैन यूज एनी डेटा टाइप्स। ठीक है, हम इसमें किसी भी प्रकार का डेटा रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम नंपाई में करते थे, नंपाई में सिर्फ हम इंटीजर वैल्यूज ही यूज़ कर पाते थे, हम सीरीज़ में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के डेटा से सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दो चीज़ सीरीज़ के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि हम सीरीज़ बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ बनाने के लिए हमें मालूम है ये सीरीज़ किसका स्ट्रक्चर है, किसका डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का। ठीक है, तो हमें यदि सीरीज़ बनाने के लिए कोई भी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल को जिसके अंदर इस सीरीज़ को बनाने वाले फंक्शंस लिखे गए हैं। तो हमें मालूम है कि ये सीरीज़ फंक्शन किसका है, ये है पांडास का, तो हमें उस मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हमारे जो पाइथन वाले डेवलपर से उनने ऑलरेडी बना के रखे हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कोडिंग की सीरीज़ कैसे बनाना है, हमें सिंपली उनको इंपोर्ट करना है। तो हम पहली चीज़ देखेंगे क्रिएटिंग सीरीज। ठीक है, फ्रॉम स्केलर वैल्यू। ठीक है, हमारे कोर्स में भी है कि हम स्केलर वैल्यू से किस तरीके से एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली दो लाइन का कोड है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सीरीज है वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपली हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इम्पोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, इसमें कुछ भी चीज़ कैपिटल्स नहीं है, ना ही पांडास का P कैपिटल है, ठीक है ना ये, ठीक है ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंपल्सन नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्ट का I भी स्मॉल है, तो इसमें कुछ भी चीज़ कैपिटल नहीं है, पांडास का P भी स्मॉल है। सो हमें सिंपल ये एक लाइन लिखनी है, जिससे क्या होगा वह मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाएगा जिसके अंदर हम सीरीज़ बनाने वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यदि हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो फंक्शन जिससे हम सीरीज़ बनाएंगे वो एरर दे देगा कि इस तरीके कोई फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसको इंपोर्ट करने पे ही वो सारी की सारी कोडिंग हमारी कोडिंग में आ जाती है सिर्फ इस इंपोर्ट को लिखने से। ठीक है, कि अब हम जो ये पांडास में एक फंक्शन बना रखा है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, हमें चाहिए सीरीज़ फंक्शन। कौन सा फंक्शन चाहिए, सीरीज़ फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम सीरीज़ बनाएंगे। सो हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज PD, जिसको इसमें सबको मालूम है कि ये PD क्या है, एक एलियास है, यानी कि हम इस लंबे चौड़े नाम पांडास की जगह क्या लिख दें, PD लिख दें, बार बार हमें पांडास नहीं लिखना पड़े, तो शॉर्ट फॉर्म में हम PD लिख देते हैं और इसी से हम क्या करते हैं सारे फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं सिंपली PD डॉट सीरीज़ का S कैपिटल है, अच्छा बड़ा S लिखो,
SERIES, समझ गए? कि हमेशा याद रखना कि जब भी हम इन फंक्शन का नाम लिखते हैं ये कैपिटल्स में रहता है। ये कैसा रहता है? कैपिटल। हम डेटा फ्रेम लिखेंगे जब भी, ये कैसा रहता है? डी कैपिटल। अभी हम सीरीज बना रहे हैं तो ये एस कैसा है? कैपिटल। ठीक है, हमेशा याद रखना। शायद अभी इस बार के सैंपल पेपर में भी ये जो एस है वो स्मॉल बनाया है कुछ ऑप्शंस में। इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे 1, 2, 3, 4। इसमें एक में ऐसा लिखा था पीडी डॉट सीरीज और एक में कैपिटल एस लिखा था। सो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने को कि कैपिटल एस होगा वही क्या होगा, सही फंक्शन होगा। ठीक है, और यही दो लाइनों लिखना था और ये बन गई हमारी सीरीज। बहुत ही आसान कोड था, सिंपल दो लाइन का कोड था और ये हमारी सीरीज बन गई। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें कुछ डेटा वगैरह तो है नहीं, अभी तक तो हम देखते आ रहे थे कि डेटा होगा, ये होगा, वो होगा, बट आपने दो लाइन लिख दी और ये बन गई सीरीज। यस, ये बन गई है सीरीज। क्यों बन गई है सीरीज? इसे कहते हैं एम्प्टी सीरीज। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सीरीज। ठीक है, और अभी यदि आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो इसका डेटा टाइप आएगा फ्लोट। कैसा आएगा? फ्लोट आएगा, यदि ये ओल्ड वर्जन है। ठीक है, और ओल्ड वर्जन के साथ साथ वो रेड वार्निंग देगा, उसमें लिखा आएगा कि फ्रॉम न्यू वर्जन द डेटा टाइप ऑफ एम्प्टी सीरीज इज नाउ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम एम्प्टी सीरीज बनाते हैं तो इसका ये जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सो याद रखना कि जो भी एम्प्टी सीरीज है उसका डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ठीक है, न्यू वर्जन में, और ओल्ड वर्जन में उसका डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोटी होता है। ठीक है, तो ये हमने बनाया क्या? एम्प्टी सीरीज। ठीक है, यदि एम्प्टी सीरीज बनाने को आएगा तो आप ये दो लाइन लिखेंगे और आपका क्या बन गया? सीरीज। अब हम बनाते हैं सीरीज फ्रॉम स्केलर। ठीक है, ये सीरीज फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हम कर रहे हैं। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल बताया था कि ये दो लाइन लिखने से हमारा क्या बन जाता है? सीरीज क्रिएट हो जाता है, जिसमें एस कैपिटल है और ये पीडी वही अलियास है जो यहाँ पे हमने लिखा। यहाँ पे पीडी की जगह सीडी लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? सीडी डॉट सीरीज। और यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रटा रटाया पता है पीडी, तो हम पीडी ही लिखेंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ सीडी लिखना चालू कर दिया तो गलती से आप वहाँ पीडी लिख दोगे और पूरी कोडिंग गलत हो जाएगी। तो हम पीडी ही चलने देंगे, क्योंकि पांडास है तो पीडी लिखेंगे। ठीक है, नंपाई है तो एनपी लिखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? ज़्यादा अच्छा होता है समझने के लिए। यहाँ लिख कुछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात हम कर रहे थे क्रिएट करने की। क्या क्रिएट करने की? क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अब हम इसके अंदर ये जो सीरीज नाम का फंक्शन है ये क्या लेता है? पैरामीटर लेता है। ये क्या लेता है? पैरामीटर लेता है। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये क्या है? ये जो फंक्शन है ना, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, ढांचा। क्या है ये? ढांचा। देखा होगा ये जब जहाँ पे कार्स बनती हैं या कहीं पे मूर्तियाँ बनती है तो उनके पास एक मोल्डिंग मोल्ड टाइप का रहता है, जिसमें वो क्या करते हैं? पिघला लोहा डाल देते हैं और जब उसको खोलते हैं तो क्या बन जाता है? जिस चीज़ का ढांचा रहता है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ढांचा है। ये सीरीज फंक्शन क्या है? ढांचा है। इसमें जो भी चीज़ डालोगे, जो भी निकलेगा इस तरफ से, वो क्या निकलेगा? हमेशा सीरीज निकलेगा। मतलब इस पैरामीटर के अंदर कुछ भी डाल दो, क्या डालोगे? स्केलर वैल्यू डाल दो तो वो सीरीज बन के ही निकलेगा। इसमें डाल दो लिस्ट तो वो सीरीज बन के ही निकलेगा। इसमें डाल दो नंपाई अरे तो वो सीरीज बन के ही निकलेगा। इसमें डाल दो डिक्शनरी तो वो क्या बनेगा? सीरीज ही बनेगा। तो ये ढांचा किसका है? ये मोल्ड किसका है? सीरीज का है। इसमें जो डाल दोगे वो हमेशा सीरीज बन के ही निकलेगा। चलो डाल देते हैं, तो बात करते हैं सीरीज में। तो इसके पैरामीटर में अपन बात कर रहे हैं स्केलर वैल्यूज की, तो हम इस पीडी डॉट सीरीज के अंदर डाल देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, ये राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट है मेरा 1, 2, 3। ये क्या कर दिया मैंने? स्केलर वैल्यूज डाल दी। ठीक है, स्केलर वैल्यू समझते हो, इंटीजर वगैरह, फ्लोट वगैरह, जो एक सिंगल्स रहती है उनको क्या बोलते हैं? स्केलर वैल्यू। तो हमने क्या किया इसमें राउंड ब्रैकेट लगा के क्या किया है? 1, 2, 3 पास कर दिया है। ठीक है, क्या पास किया है? 1, 2, 3। अब ये तो हो गई हमारी वैल्यूज। अब ये जो पूरा कोड है पी डी डॉट सीरीज, अब ये क्या बनाएगा? हमारा सीरीज क्रिएट कर देगा। यदि हम इसको सिंपली रन कर देंगे तो ये आउटपुट देगा हमको 0, 1, 2 और यहाँ लिख रहेगा 1, 2, 3 और इसका डेटा टाइप क्या लिखा रहेगा? डेटा टाइप इंट
64, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, इंट 64। हम इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे या जो प्रैक्टिस वाली वेबसाइट है, जब मतलब हम पीसी पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दिख ही जाएगा कि किस टाइप का है। वैसे ही जब भी ये वैल्यूज इंटीजर टाइप की रहेगी तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा, हमारे पास इंटीजर आएगा, हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दे देंगे तो डेटा टाइप फ्लोट आएगा, और कुछ इंटीजर्स रहेंगे, कुछ फ्लोट्स रहेंगे, कुछ स्ट्रिंग रहेंगे, तो डेटा टाइप हमेशा हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का मिलेगा। ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये आती हैं दो चीज़ें, हमारे पास क्या दो चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स, इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स, ठीक है, कि जो हमने वैल्यूज़ दी हैं उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक वैल्यू वो खुद ही जोड़ देता है सीरीज, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स, और ये जो वैल्यू हैं जो हमने खुद पास करी थी इनको क्या बोला जाता है, वैल्यू ही बोला जाता है, ठीक है। अब ये इंडेक्स का क्या यूज़ है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। अब याद रखना कि हर एक वैल्यू के साथ ये जो सीरीज़ फंक्शन है, कुछ वैल्यूज स्टार्ट कर देता है, कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यूज जोड़ देता है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, जहाँ तक वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। यहाँ 3 की जगह 4 होता तो इसका इंडेक्स भी क्या हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। तो इंडेक्स भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट किया हमने क्या, सीरीज, ठीक है, सीरीज बनाना हमें आ गया। ये किससे बनाया हमने, स्केलर वैल्यू से, किससे बनाया हमने, स्केलर वैल्यू से। किया कुछ नहीं, दो लाइन का कोड था, इंपोर्ट किया पांडास को एसपीडी, और पीडी डॉट सीरीज जिसका एस कैपिटल है उसमें हमने क्या लिखा, 1 2 3, और ये बन गई हमारी सीरीज, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक कारण, एक और तरीका बताता हूँ। अब ये जो 1 2 3, हम इसको ऐसे ना दे के दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि लिखा इंपोर्ट पांडा से एसपीडी, और हमारे पास बहुत टाइम था तो हमने लिखा, स्केलर है तो हमने लिख दिया एस सी इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स में 1 2 3, और अब हम लिख देते हैं यहाँ पे नीचे पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हमने किसको पास कर दिया, एस सी को, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जिसमें हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं, किस लिए, क्योंकि हमने अलग से एक लाइन लिखी और वो जो लाइन है उसको एक वेरिएबल में लिया और उस वेरिएबल को पास किया हमने हमारे सीरीज फंक्शन में। काम वही हो रहा है, बस हमने क्या किया, हमें मालूम है पर डे की सैलरी मिली रही है तो हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो टाइम वेस्ट भी कर लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा हमारा, और सैलरी तो आई रही है, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिंपली बस इसको क्या किया, एक वेरिएबल में लिया और उस वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है। बट इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको किसके मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं कोडिंग के हिसाब से कि वो रन होगा या नहीं होगा। तो ये दो तरीके मैंने बता दिए हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपली इस लाइन को स्किप करके ये जो सारी चीज़ हैं वो डायरेक्टली आप इस पैरामीटर में दे सकते हो, यानी कि इसी में राउंड ब्रैकेट लगा के 1, 2, 3, और ये बन गया हमारा सीरीज। ये था हमारा पहला तरीका सीरीज बनाने का। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे तरीके पे, जो कि हमारा क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट। अब हम किससे बनाएंगे सीरीज, हम बनाएंगे सीरीज विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हमने देखा हुआ है, लिस्ट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट लगते हैं, याद ही नहीं आ रहा, 11th में पढ़ा था लिस्ट तो, कि लिस्ट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट लगते हैं। सो ये लिखा मैंने लिस्ट का L, क्या लिखा मैंने, लिस्ट का L, और जब लिस्ट के L में यदि मैं ऊपर भी ऐसा जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हमेशा याद रहेगा, आजीवन याद रहेगा कि जो लिस्ट है उसमें हमेशा कौन से ब्रैकेट आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है किससे, लिस्ट से बनाना है सीरीज। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वही का वही कोड लिखना है पीडी डॉट सीरीज, और मैंने बताया था कि ये मोल्ड है, इस मोल्ड के अंदर यदि अपन लिस्ट में पास कर देंगे 1, 2, 3, तो ये क्या बना देगा, हमारा फिर से सीरीज बना देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट पास कर दी, और इसको भी प्रिंट कराएंगे तो सेम आउटपुट आएगा 0, 1, 2, और यहाँ पे आएंगे 1, 2, 3, जिसमें ये 0, 1, 2 है इनको बोला जाता है इंडेक्स, और ये 1, 2, 3 है इनको क्या बोला जाएगा, वैल्यूज, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्या देखा हमने, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट। अब तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है, और वही मेथड आप फिर से कर सकते हो कि ये जो लिस्ट है उसको एक अलग से वेरिएबल में लेके फिर उस वेरिएबल को यहाँ पास कर दोगे तो भी वही आउटपुट आएगा, और डायरेक्टली यहाँ पास कर दोगे
तो भी वही आउटपुट आएगा. सो दिस इज वी आर क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट. ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज जिसमें हम पढ़ेंगे, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी. ठीक है, अब डिक्शनरी से हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे. अब डिक्शनरी क्या चीज आ गई, डिक्शनरी हमें मालूम है क्या होता है, इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ रखी थी, थ्योरी में भी हमने पढ़ाया था कि डिक्शनरी में एक होती है वर्ड और एक होती है मीनिंग. सेम इसी तरह जब हम डिक्शनरी का यूज करते हैं उसमें रहते हैं हमारे पास कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में एक होती है की और कॉलन लगा के हम उसकी देते हैं एक वैल्यू, तो ये क्या कहलाती है, डिक्शनरी. ठीक है, ये हो गई एक पेयर ऑफ वैल्यूज. इसी तरह हम बहुत सारी पेयर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं. ठीक है, अब कर लेते हैं बात डिक्शनरी की. ठीक है, जिनको डेटा टाइप्स अच्छे से क्लियर नहीं है वो क्लास 11 की वीडियोस देख लेना, उसमें बहुत ही डीप तरीके से बताया मैंने क्या होती है डिक्शनरी, क्या होते हैं टपल्स, क्या होती हैं लिस्ट. ठीक है, और उनके सिंटैक्स वगैरह, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इतना ज़्यादा अपन यहाँ पे नहीं बता सकते. मैंने ऑलरेडी बोला है कि 11th की प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ. ठीक है, चलिए फिर भी अब हमें बनाना है वाई. ठीक है, अब हमें बनाना है डिक्शनरी कहाँ से, सीरीज से. तो वही हमें याद रटी रटाई लाइन लिखनी है, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी. ये लाइन तो आना ही आना है, और इसके अलावा एक और लाइन आना है जो कि हमें रटी रटाई है, पी डी डॉट सीरीज. ठीक है, अब फिर से वही चीज़ आ गई, अब मैंने थोड़ा लंबा ब्रैकेट लगा दिया. सो फिर से वही मोल्ड आ गया हमारे पास सीरीज. मैंने बताया था कि इस सीरीज में जो भी डालोगे वो क्या बन के निकलेगा, हमेशा सीरीज ही बन के निकलेगा. तो ये सीरीज फंक्शन में अब हमें किससे बनाना है, डिक्शनरी. तो इसमें क्या पास कर दो, डिक्शनरी पास कर दो, तो उसका जो भी आउटपुट आएगा वो भी एक सीरीज होगा, और वो सीरीज किससे बनी होगी, वो बनी होगी हमारी डिक्शनरी से. तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ लगा दिए, यहाँ लिख दिया मैंने ए कॉलन वन कॉमा, बी लिखा, स्ट्रिंग के फॉर्म में है इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और कॉलन लगाते हैं. मैंने अभी बताया था की और वैल्यू पेयर्स के बीच में क्या लगाए जाएंगे, कॉलन, यानी कि ऐसी वाली दो दो बिंदी, और यहाँ लिखा टू, इसी तरह मैंने कॉमा लगाया और सी लिखा, और यहाँ कॉलन लगा के लिखा थ्री. सो अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने पास कर दिया है एक डिक्शनरी, किसमें, सीरीज फंक्शन में. सो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आता है जितनी भी की रहती हैं, ये क्या रहती हैं, की, जो ए बी और सी हैं, ये सब क्या हैं हमारी, इनको बोला जाता है की, और ये जो 1, 2, 3 है इनके साथ में 1, 2 और 3, इनको क्या कहा जाएगा, वैल्यू. ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, की वैल्यू पेयर्स, क्या बोला जाता है इनको, की वैल्यू पेयर्स. ये इसकी चाबी है और ये इससे खुलेगा. अब मैंने क्या बताया था, डिक्शनरी, यानी कि ये वर्ड है और ये मीनिंग है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम डिक्शनरी से सीरीज बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इतना सा, क्या, जितनी भी हमारी की रहती है वो बनती है इंडेक्स. ठीक है, तो कैसे बनेगी इंडेक्स, हमें मालूम इंडेक्स होता है ए, यहाँ पे पहला इंडेक्स ए है, दूसरा इंडेक्स है बी, और तीसरा इंडेक्स यहाँ पे है सी. ठीक है, तो ये क्या हो गए, जो भी की थी, यहाँ ए की थी, यहाँ बी की थी, यहाँ सी की थी, वो क्या बन गए, इंडेक्स, और जो वैल्यूज थी वो तो क्या बननी है, वैल्यूज ही बननी है. तो वैल्यूज क्या थी, 1, 2 और 3. सो दिस इज द आउटपुट, ये क्या बन गया हमारा, फिर से एक सीरीज बन गया. ये क्या है हमारे, इंडेक्स, ये जो पूरे हैं इनको बोला जाएगा इंडेक्स, और ये क्या है हमारे, वैल्यू. ठीक है, सो ये क्या किया हमने, हमने क्रिएट किया सीरीज, हमने क्या क्रिएट किया है, सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी. सो ये क्या हो गए, हमने देखा कि ये जो की थे वो क्या बन गए हमारे, इंडेक्स, और जो वैल्यूज हैं वो क्या है हमारी, वैल्यूज ही बन गई, 1, 2 और 3. सो हमने क्या देखा कि जब भी हम डिक्शनरी पास करते हैं सीरीज फंक्शन में तो जितनी भी कीज रहती हैं वो बन जाती है इंडेक्स, और जो वैल्यूज रहती हैं वो वैल्यू में आ जाती है. ठीक है, याद बस ये रखना है कि जो भी की है वो बन जाएगी हमारी इंडेक्स, और जो वैल्यू है वो उन्हीं की वैल्यूज बन जाएगी. ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की है वैल्यू. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. और ये तीनों ही तरीके के हमको सिलेबस में भी है कि हम किस तरीके से स्केलर वैल्यू से सीरीज बना सकते हैं,
किस तरीके से लिस्ट से बना सकते हैं, किस तरीके से डिक्शनरी से हम एक सीरीज बना सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्रिएटिंग सीरीज। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम नंपाई अरे। अब हमें क्या करना है, फिर से एक सीरीज बनाना है नंपाई अरे से। सो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, एज इट इज़ जो चीज़ हमने पढ़ी है वही करना है। हमें क्या करना है, सीरीज फंक्शन में नंपाई को पास कर देना है। ठीक है, जो भी हमारे पास नंपाई अरे रहेगा हम उसको सीरीज फंक्शन में पास कर देंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, ये तो लिख दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक नंपाई अरे बनाना है। तो नंपाई अरे के जो फंक्शन है, नंपाई बनाने की जो फंक्शन है, वो किस पे लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं नंपाई लाइब्रेरी में। सो यदि हमें एक नंपाई अरे बनाना है तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, वो मॉड्यूल। इसलिए हमको यहाँ पे इम्पोर्ट एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि है इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी। और ये क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नंपाई पहले बनाना पड़ेगा, जब ही तो हम सीरीज फंक्शन में पास कर पाएंगे। और नंपाई बनाने के लिए जो हमें फंक्शन चाहिए वो कहाँ लिखा हुआ है, नंपाई लाइब्रेरी में। सो उसे हमने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है। अब सारी चीज़ वही है, बट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंपाई को बनाना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं नंपाई, हम लिख दे रहे हैं एक वेरिएबल ले ले रहे हैं नम एरे। ठीक है, और छोटा ले लेते हैं एन एरे। ठीक है, एन एरे नाम से एक वेरिएबल लिखा, और हमें मालूम है कि नंपाई एरे बनाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एन पी डॉट एरे। क्या लिखते हैं हम, एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम इस राउंड वाले ब्रैकेट्स में पास कर देते हैं एक लिस्ट, जिसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम है कि हर एक चीज़ में होता है, यदि इस एन पी डॉट एरे के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी, तो इसमें से जो भी निकलेगा, यानी कि जो भी इस पूरे का आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा, एक एन पी अरे आएगा, या फिर नंपाई अरे आएगा, और वो किस में जाके सेव हो जाएगा, एन अरे नाम के वेरिएबल में सेव हो गया। अब इसमें क्या आ गया, नंपाई अरे आ गया, यानी कि नंपाई अरे। अब इस नंपाई अरे से सीरीज बनाना है तो क्या करना होगा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, पिघला हुआ लोहा ये रहा, इसको डालना है मोल्डिंग में। क्या बनाना है, सीरीज बनाना है, तो क्या लिखेंगे, पी डी डॉट सीरीज। ये आ गया हमारा ढांचा। अब इसमें डाल दो पिघला हुआ लोहा, क्या है पिघला हुआ लोहा, एन अरे, क्या है एन अरे, ये वही वेरिएबल है जिसमें हमारा नंपाई अरे आ चुका है। अब ये इसमें डल गया है, तो अब ये यहाँ से निकलेगा, तो अब क्या बन के निकलेगा, अब ये बन के निकलेगा सीरीज। क्या बन के निकलेगा, सीरीज। और इसको यदि हम चलाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यहीं लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, ये आ गया इंडेक्स। ठीक है, और आउटपुट क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, और डेटा टाइप क्या आएगा, इंट 64, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे इस लाइन की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमें यूज़ करना था नंपाई एरे, जिससे हमें सीरीज बनाना था, इसलिए हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ा, नंपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जो एरे फंक्शन है जिसका हमने यूज़ किया है, यह किसमें लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है इस नंपाई लाइब्रेरी में, और पांडास में क्या लिखे हुए हैं, ये सीरीज फंक्शन। ठीक है, तो इन फंक्शनों को यूज़ करने के लिए हमने इन लाइनों को इम्पोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम नंपाई अरे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये तो हो गया हमारा क्रिएट करना, कि हम किस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इंडेक्स इंटीजर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास एक केस आता है कि हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स है 1, 2, 3, 4 की जगह हमारे पास हम जो चाहें वो हो इंडेक्स, तो हम उस केस में किस तरीके से हमारे खुद के इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और पैरामीटर देना होगा उसी सीरीज फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास है क्या लिखना पड़ता है, इम्पोर्ट पांडास
एस पी डी, ठीक है। और हमको लिखना पड़ेगा पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल, और इसमें लगाना है राउंड ब्रैकेट। अब इसमें हमने क्या पास कर दी, लिस्ट पास कर दी 1, 2, 3, ठीक है। छोटा एग्जांपल लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा टाइम वेस्ट अपने को करना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है, ठीक है। ये तो लिख दिए 1, 2, 3। अब यदि हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देते तो क्या आ जाता था हमारे पास, और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते तो क्या आता है, 0, 1, 2, ये आ जाते थे हमारे इंडेक्स, और आउटपुट आ जाता था 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये आ गया आउटपुट। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स हैं, जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम चाहते हैं कि हमारे खुद के इंडेक्स हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ ABCD लिखा है या किसी के नाम लिखा है। यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ नाम आए, यहाँ बच्चों के नंबर डिस्प्ले हो, यहाँ नाम आए उस बच्चे का नंबर डिस्प्ले हो, यहाँ नाम आए उस बच्चे के नंबर डिस्प्ले हो, तो इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और पैरामीटर होता है इस सीरीज वाले फंक्शन में, जिसको हम लिख सकते हैं कॉमा लगा के, और इसका नाम है इंडेक्स। क्या है इस पैरामीटर का नाम है, इंडेक्स। इसको हम लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर, और इसकी इक्वल टू में यदि हम लिस्ट में पास कर देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। यदि आप बिना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो क्या देगा, वो एरर देगा। कौन सी एरर देगा, ये बोलेगा कि ए इज नॉट डिफाइंड, कि आपने ए को कहीं डिफाइन नहीं किया, वो उसको एक वेरिएबल की तरह समझ लेगा, कि बोलेगा भैया ए आपने लिख दिया, उसकी वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ पे डिफाइन किया है। सो इसको किस में लिखना है, हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और ऑप्शंस में आपको कहीं दिख जाए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा तो वहाँ एरर आनी है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू लिख दिया ए बी और सी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जो आउटपुट आएगा, ठीक है, ये ओल्ड लिख दे रहा है इसमें, और ये हो गया हमारा न्यू आउटपुट, ठीक है। क्या आया न्यू आउटपुट, जब हमने यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा इंडेक्स इक्वल टू, और ये लाइन लिखी, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके भी क्लोज हो गए, ठीक है। यानी कि ये राउंड ब्रैकेट चालू हुआ, ये राउंड ब्रैकेट खत्म हुआ, इसी के अंदर पहले तो हमने पास कर दी वह वैल्यूज़ जो हमें चाहिए, और इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ना ले वो 0, 1, 2, इसलिए हमने इंडेक्स अलग से दिया है कॉमा लगा के एक पैरामीटर में, जिसको बोलते हैं इंडेक्स इक्वल टू, लिस्ट में हमने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब जो यहाँ इसका आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी सी, और वैल्यूज क्या है हमारी, 1, 2 और 3, ठीक है। सो क्या समझ में आया हमें, कि जब भी हमें खुद के इंडेक्स देने रहते हैं तो हमको एक और पैरामीटर देना रहता है, उसे कहते हैं इंडेक्स इक्वल टू ए बी सी, या इसकी जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है ए बी सी ही दो, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4, 5, 6 दे दिया तो किसी प्रकार की एरर नहीं देगा, इंडेक्स क्या हो जाएंगी 4, 5, 6। और चाहूँ तो यहाँ पे मैं डेसिमल वाली भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1.1, 1.6 या 8.2, तो ये भी बन गए हमारे इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1.1, 1.6 और 8.2, कहने का मतलब यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की वैल्यू दे सकते हैं। और एक और चीज़ सुनो, कि जब हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक डेसिमल में है तो दूसरी भी डेसिमल में होनी चाहिए, यहाँ मैं चाहूँ तो ए देख सकता हूँ, यहाँ ए लिख दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए बना आएगा और बाकी दो डेसिमल इंडेक्स रहेंगी। सो ये है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कि यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, और यहाँ तो हम कुछ भी पास वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3 पास करो, यहाँ 1, 2.0, 3.4, या यहाँ पे पहली वैल्यू ए पास कर दो, इसी चीज़, ठीक है। तो इसी का नाम है सीरीज़। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि हम सीरीज़ में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं और किसी प्रकार की एरर नहीं आने वाली है, चाहे इंडेक्स में यूज़ करो चाहे वैल्यूज़ में यूज़ करो, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है मुझे कि आपको समझ में आया है, कमेंट वगैरह तो आप करते नहीं हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है वह हमें चाहिए, यानी कि एक्सेस करना है तो वो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज। तो अब हमने सीरीज बनाना तो देख लिया, यानी कि हमारा डेटा है वो सीरीज में स्टोर हो गया, ठीक है। अब जरूरत क्या पड़ेगी हमें उसको
एक्सेस करने की। ठीक है, हमने किया क्यों है ये सब, ये क्या है, सीरीज क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सीरीज और फिर आगे हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम। तो हमने सीरीज में डेटा तो स्टोर करना सीख लिया, अब उस डेटा को चाहिए हमें तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो वहीं हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। तो अब हमें चाहिए एक्सेस करना, तो हमें सीरीज बनाना तो आ गया है बिल्कुल। ठीक है, एक बार और बना लेते हैं और उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि हम लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, अब मैं राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि हमें मालूम है कि क्या लिखा हुआ है। इम्पोर्ट पांडास एस पी डी और हम लिखेंगे पी डी और ये डॉट है, दिखता नहीं होगा वीडियो में, डॉट थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ, पी डी डॉट सीरीज का एस कैपिटल और इस फंक्शन में हमने लिख दिया ब्रैकेट में 1, 2, 3, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स और ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को एक वेरिएबल में ले लेते हैं और उसको हम एक नाम दे देते हैं सीरीज वन। क्या नाम दे दिया मैंने उसको, सीरीज वन, कि हमें जो भी इसका आउटपुट आएगा यानी कि ये जो सीरीज बन के निकलेगा उसको एक वेरिएबल में लेते हैं। ठीक है, हमने नंपाई बनाते समय भी एक वेरिएबल में लिया था पूरे के पूरे आउटपुट को, कि जो भी इसका पूरे का आउटपुट आएगा यानी कि ये लाइन चलेगी पी डी डॉट सीरीज और 1, 2, 3, तो ये क्या देगा, एक सीरीज देगा, यानी कि यदि आप इसको प्रिंट करोगे सीरीज वन को तो ये क्या देगा आउटपुट 0, 1, 2, एक सेकेंड में इधर लिख देता हूँ 0, 1, 2 और यहाँ पर वैल्यूज आएंगी 1, 2 और 3। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सीरीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज, कि हमको ये एलिमेंट चाहिए, मुझे चाहिए नंबर 2। ठीक है, कि मुझे चाहिए कि ये 2 नंबर मुझे किसी तरीके से मिल जाए, कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर है वो मिल जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, हमें लिखना पड़ता है सीरीज जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, यही वाला ऑब्जेक्ट सीरीज वन, क्या लिखेंगे हम सीरीज वन, मतलब जिसमें हमारा सीरीज स्टोर है, और फिर लगाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद हम इसमें देंगे वह इंडेक्स जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो 2 का इंडेक्स क्या है 1, ये क्या है इसके इंडेक्स, तो इसमें यदि हम पास कर देंगे 1 तो हमें आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा 2, क्या मिल जाएगा आउटपुट 2, क्योंकि 2 किसका इंडेक्स है, सॉरी 1 किसका इंडेक्स है 2 का। सेम यदि मैं यहां पे लिख देता हूं 2 तो हमें मिल जाएगा 3। तो इससे क्या पता चला कि जब भी हमें एक्सेस करना होता है एलिमेंट ऑफ सीरीज तो हम क्या पास करते हैं उसका इंडेक्स, इसी को क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग। ये पहला तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं इंडेक्स पास करते हैं और हमें वो एलिमेंट मिल जाता है, इस तरीके को क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग मेथड, जिसमें हम एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट, ये जो हमारा है आउटपुट ये क्या है 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरह जरूरी नहीं है कि हम इसमें इस जो सीरीज है इसमें हम सिंगल ही वैल्यू या सिंगल ही इंडेक्स पास करें, हम चाहें तो इसमें एक से ज्यादा भी पास करते हैं, और हमेशा याद रखना पड़े यदि हमको एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो हम एज ए लिस्ट भी पास कर सकते हैं। कैसे, कि हमें मालूम है कि हमारा ऑब्जेक्ट है सीरीज वन। ठीक है, तो अब हमें जो इस ब्रैकेट है ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे एक लिस्ट पास कर देंगे, और लिस्ट किससे बनाई जाती है स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ मैंने लिख दिया 0, 1, तो अब हमें जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो क्या क्या मिल जाएंगी आउटपुट में, हमें मिल जाएगा 1 और हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, क्योंकि जो 1 और 2 है उनके इंडेक्स क्या है 0 और 1, और वो इंडेक्स हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं। ठीक है, तो आया समझ में कि हम चाहें तो सिंगल इंडेक्स भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल इंडेक्स भी पास करते हैं, लेकिन मल्टीपल इंडेक्स जब भी पास करते हैं तो वो हम किस तरीके से पास करते हैं एक लिस्ट के रूप में पास करते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा लगा लगा के हम इंडेक्स देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तरीका पहला, किस तरीके का, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जब हमने क्या किए थे एक्सप्लिसिट इंडेक्स नहीं दिए थे, मतलब कि हमने जब खुद से इंडेक्सिंग नहीं की थी। ठीक है, जब हम खुद से इंडेक्सिंग नहीं करते हैं तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके के इंडेक्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब केस नंबर 2, जब हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे कॉमा लगा के
इंडेक्स लिख के लिखा इक्वल टू ए बी और सी, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। अब हम किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस करें, तो सेम का सेम हमारा रहेगा क्राइटेरिया, जिसमें हम बस सिंपली क्या करेंगे, इंडेक्स अब हमें मालूम है कि इंडेक्स 0 1 2 ना रह के अब इंडेक्स क्या हो गए हैं ए बी सी, इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास ए बी सी और लिखा आता है 1 2 और 3, ठीक है। अब हमें सीधी बात है कि हमें 2 चाहिए तो हमें कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीरीज 1 और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे हम इसमें ए लिख देंगे। तो अब ये जो क्या होगा इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। सो हमने क्या किया, जब हम एक्सप्लिसिट इंडेक्स देते हैं, हम खुद से इंडेक्स देते हैं तो वही इंडेक्स को पास कर देते तो हमें वैल्यू मिल जाती है, यानी कि मैंने ए पास किया तो मुझे क्या मिल गया 1 मिल गया। इसी तरह मैं लिखता सीरीज और मैं इस ब्रैकेट में लिस्ट में पास कर देता ए कॉमा बी, ठीक है। तो सेम मल्टीपल इंडेक्स भी दे सकते हैं तो मुझे आउटपुट में मिल जाता ए और बी के वैल्यूज जो कि हमारे 1 और 2। सो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के जरिए वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके हमने सीख लिए कि हम चाहें तो 0 1 2 3 यानी कि जो इंडेक्स होते हैं इंटीजर बेस्ड इंडेक्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि हमने खुद से इंडेक्स दिए हैं तो उन इंडेक्स का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। लेकिन एक और बात कि मान लो कि हमने खुद से इंडेक्स दिए हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे दें, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट 1 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि भले ही हम खुद से इंडेक्स दे भी दें तो भी यदि हम इंटीजर वैल्यू देते हैं यहाँ पे तो उस वैल्यू को हम ला सकते हैं, यानी कि मैं यदि 0 इंडेक्स की वैल्यू लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसी तरह यदि मैं इंडेक्स में क्या दे देता हूँ 2 दे देता हूँ तो ये मालूम है कि ये 0 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यदि मैंने 2 दिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा एज अ आउटपुट, ठीक है। सो याद रखना है ये बात भी कि यदि हमने खुद के इंडेक्स भी दिए हैं और यदि हम इंटीजर वैल्यू देकर भी स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लाना चाहते हैं तो उस केस में भी हम वैल्यू ला सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज, और इसी को क्या कहते हैं इंडेक्सिंग, क्या बोला जाता है इसको इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये हमने पहली चीज पढ़ ली, इसको क्या कहा जाता है इंडेक्सिंग। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज जिसको बोला जाएगा स्लाइसिंग, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज कि हमें सीरीज के कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब स्लाइसिंग क्या होता है कि हमें सीरीज को में से एलिमेंट को एक्सेस तो करना है बट कुछ पर्टिकुलर पार्ट एक्सेस करना है, मतलब कहीं से स्टार्ट करना है कहीं पे ख़त्म करना है वहीं तक के एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो उस केस के लिए हमारे पास क्या है दूसरे तरीके का एक्सेसिंग जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा है इंडेक्सिंग और हम पढ़ रहे हैं अब स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के जरिए भी हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका क्या तरीका होता है, ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं स्लाइसिंग मतलब होता क्या है, ठीक है। आम तो सबने खाया हुआ है, काट के भी खाया हुआ है, ठीक है। तो स्लाइस मतलब क्या होता है, आपने मैंगो स्लाइस की एड देखी होगी, मतलब क्या कि आम में से काट के उसका एक पार्ट निकालना, ठीक है, यानी कि उसमें से एक फांक निकालना, ठीक है। आम में से एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटे से टुकड़े को ही क्या बोलते हैं पार्ट बोलते हैं। इसी तरह यदि हमारे पास स्लाइसिंग कर रहे हैं हम तो हम क्या करेंगे, सीरीज में से ही मान लो सीरीज में 5 एलिमेंट है उसमें से हमें 2 निकालने हैं, शुरू के 2 निकालने हैं, शुरू के 3 निकालने हैं, आखिरी के 3 निकालने हैं, बीच के 3 निकालने हैं, तो वो सब हमें किससे कर पाएंगे, हम स्लाइसिंग से कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से स्लाइसिंग होती है। अब मैं फिर से सीरीज नहीं बना रहा हूँ, सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज 0 1 2 3 4 ये क्या है हमारे इंडेक्स हैं और इनकी वैल्यूज दी हुई हैं 10 20 30 40 और 50, ठीक है। ये हमें मालूम है आउटपुट आया हुआ है, ये इंडेक्स है और ये हैं क्या हमारे आउटपुट जिनको हम बोलते हैं वैल्यूज, ठीक है। आउटपुट आ गया, हमने सीरीज बनाया और सीरीज को प्रिंट किया तो ये आउटपुट आया। अब मुझे चाहिए कौन कौन सी वैल्यू, ये दो 2 3 मतलब कि 30 और 40 इंडेक्स वाली ही वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, ये दो वैल्यूज चाहिए।
तो अब हम किस तरीके से ये वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। ठीक है, सपोज हमने क्या किया है, सीरीज वन नाम का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमने पूरे सीरीज को स्टोर कर रखा है। तो हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और हम देंगे इसमें इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ कॉलन। कॉलन का यूज करके हम क्या करते हैं, इंडेक्स देते हैं, जिसमें पहला इंडेक्स रहता है स्टार्ट और कॉलन दूसरा इंडेक्स रहता है एंड, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक हमको काटना है वो क्या कहलाता है, स्लाइसिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें देंगे इंडेक्स, जहां से स्टार्ट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे सीरीज। अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, बताओ कहां से स्टार्ट करना है, ये इंडेक्स जीरो है, ये वन है, ये टू है, टू से स्टार्ट करना है काटना और कहां तक जाना है, थ्री तक जाना है। ठीक है, तो हमको कहां से स्टार्ट करना है, टू और थ्री चाहिए, तो हम कहां तक काटेंगे उसको, फोर तक काटेंगे। यहां हमेशा याद रखना है जहां तक के एलिमेंट रहते हैं उसके एक बात तक हम काटते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे यहां पे, स्टार्ट कहां से करना है, टू से, कहां से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट इंडेक्स कहां लिखेंगे, स्टार्ट में, और इसके बाद हम लिखेंगे कॉलन, क्या लिखेंगे, कॉलन, कहां तक जाना है, फोर तक जाना है, कहां तक जाना पड़ेगा, फोर तक, यदि हम फोर तक नहीं जाएंगे तो हमें ये दो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो भी एन इंडेक्स है उसके एक पहले तक की वैल्यू हमें हमेशा मिलती है। ठीक है, तो जब भी हम ये टू कॉलन फोर लिखेंगे तो हमें मिलेगा टू और थ्री इंडेक्स वाले, यदि यहाँ लिखा होता टू और फाइव तो यह हमको क्या मिलता, टू इंडेक्स वाला मिलता, थ्री इंडेक्स वाला मिलता और फोर इंडेक्स वाला मिलता है, यानी कि ये हमेशा कैसा रहता है, एक्सप्लिसिट, क्या होता है, एक्सप्लिसिट, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि इस पे जो एलिमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके पहले तक के एलिमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। तो यदि यहाँ लिखा है टू कॉलन फोर तो हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू आएगी, टू की आएगी और थ्री की आएगी और फोर की नहीं आएगी, हमेशा याद रखना जो एन इंडेक्स है उसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टू थ्री, इधर आएगा थर्टी और क्या आएगा, फोर्टी। इसी को क्या कहा जाता है, स्लाइसिंग, इसको क्या कहा जाता है, स्लाइसिंग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए रहती है हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्सेस, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइसिंग का एक फंडा, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम खुद से इंडेक्स देते हैं तो उस केस में स्लाइसिंग पे क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को। सपोज हमने लिखा है इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है, और हमने लिखा है पीडी डॉट सीरीज और इसमें हमने लिखी है वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में वन टू थ्री और लिखे हैं इसके इंडेक्स आई एन डी ई एक्स, इंडेक्स इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, और एक और बात कि जितने आप वैल्यूज देंगे उतने ही इंडेक्स हमको देना पड़ेगा, यदि कम ज़्यादा होंगे या तो वैल्यू कम होगी या इंडेक्स कम होगी, या इंडेक्स ज़्यादा होंगे वैल्यू कम होंगी, किसी भी केस में क्या होगी, आपको एरर आएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही इंडेक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपने डी भी दे दिया तो क्या होगा, यहाँ चार इंडेक्स हो गए लेकिन एलिमेंट तीन ही है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करना है हमें, वैल्यू की बेस पे हमको क्या करना है, क्या करना है, स्लाइस करना है। ठीक है, तो स्लाइस करने का हमें क्राइटेरिया मालूम है कि हमको इस वेरिएबल, एक वेरिएबल में ले लेते हैं सीरीज वन नाम के, अब हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज वन नाम का वेरिएबल, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, वेरी गुड। अब हमें क्या देना है, इन इंडेक्स का नाम देना, मैंने बताया कि जब हम खुद से इंडेक्स देते हैं तो उन्हीं इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो आप स्लाइस भी करेंगे तो क्या करेंगे, उन्हीं के थ्रू करेंगे। सो यदि मैंने लिखा है यहाँ पे ए कॉलन सी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए कॉलन सी, जिसमें ये क्या कहलाता है हमारा, स्टार्ट इंडेक्स और ये क्या कहलाता है हमारा, एंड इंडेक्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी हम खुद के इंडेक्स देते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम खुद के इंडेक्स देते हैं तो
एंड इंडेक्स भी इंक्लूड होगा। क्या होगा? इंक्लूड, हिंदी में लिख देता हूँ, होगा। क्या बोल रहे हैं? एंड इंडेक्स भी इंक्लूड होगा, यानी कि एंड इंडेक्स की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो यदि लिखा हुआ है सीरीज ए कॉलन सी, तो इसका आउटपुट आने वाला है ए वन, बी टू और सी थ्री, यानी कि तीनों वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो इंडेक्स हैं वो खुद से दिए हैं और उन्हीं वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लो कि जब हम खुद से देते हैं तो एड इंडेक्स इंक्लूड रहता है, और यदि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल टू करके और हमने सिंपली लिस्ट दी है तो एंड इंडेक्स जो यहाँ पे लिखा रहता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सो ये था हमारा स्लाइसिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें एंड इंडेक्स की बात हुई है। ठीक है, जब हम खुद से एक्सप्लिसिटली देते हैं इंडेक्स तो उस केस में एंड इंडेक्स इंक्लूड होता है, मतलब वो वैल्यू भी आएगी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा स्लाइसिंग वाला पार्ट। नाउ अब हम पढ़ेंगे आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं एक सीरीज के। थोड़ा लेंथी पार्ट है, सो इसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको मुझे बताना है कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्या व्हाइट बोर्ड वाला अच्छा है या फिर आपको सिस्टम पे ही पढ़ना पसंद है। सो आप फीडबैक मुझे दीजिए, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा रिवीजन चलता रहेगा एग्ज़ाम तक, और जो भी कुछ डाउट है आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।